बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल गैलरी द फूड बाय रहमा। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे स्विस रोल विदाउट ओवन। शाम की चाय का स्विस रोल के साथ मज़ा तो बाला करें। स्विस रोल बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, अंडे हमें चाहिए 3 अदद, ये रूम टेम्परेचर पर हैं। मैदा 5 खाने के चम्मच, इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से छान लेंगे। दानेदार चीनी है मेरे पास 6 खाने के चम्मच, और इसके साथ है मेरे पास ऑयल 2 खाने के चम्मच, बेकिंग पाउडर 1 चौथाई चाय का चम्मच, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे और ना ही इसमें कोई बेकिंग सोडा जाएगा, वनीला एसेंस आधा चाय का चम्मच, और साथ है मेरे पास यहाँ नेशनल का जैम, मैंगो जैम, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास है एक पिज़्ज़ा ट्रे मीडियम साइज़ की, इसे मैंने ऑयल लगाया, ग्रीस किया, बटर पेपर लगाया और फिर से इसे ऑयल लगाया और ग्रीस किया अच्छी तरह से। स्विस रोल बनाना शुरू करते हैं। बाउल में डालेंगे अंडे और साथ ऐड करेंगे चीनी 6 खाने के चम्मच। चीनी डालने के बाद इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से बीट करेंगे। यहाँ मैंने बीट करूँगी फुल स्पीड पर तकरीबन 3 मिनट तक। ओवर बीट नहीं करेंगे। अगर हमने बहुत ज़्यादा इसे बीट कर लिया तो उससे क्या होगा, हमारे स्विस रोल का जो स्पंज है वो टूट फूट जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने किस तरह का मिक्सचर अपना तैयार किया है। इस तरह का फोमी सा मिक्सचर हमें चाहिए, और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं तो आप विस्क यूज़ कर सकते हैं, ब्लेंडर जार यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हैंड विस्क यूज़ करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर आप ब्लेंडर जार लेंगे तो सेम वही टाइम आएगा, 3 मिनट। इस मिक्सचर में मैदा डस्ट करेंगे 2 खाने के चम्मच। मैदा डालने के बाद इसे फोल्ड करेंगे हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं करेंगे, ज़ोर नहीं लगाएंगे, हल्के हाथ से बस हमें इस तरह से मैदा को जो है मिक्स करना है। अगर आपके पास लकड़ी का चम्मच है तो उसे इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैं देखिए एक दफ़ा आपको चेक करवाऊँ, इस तरह का हमारा जो बैटर है वो होना चाहिए, इसमें किसी किस्म का लम्स या कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। दोबारा से इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच मैदे के और इसे मिक्स करेंगे। इसी तरह हम अपना बचा हुआ मैदा ऐड करेंगे और फोल्ड करेंगे हल्के हाथ से। मैदा मैंने अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है। अब इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर 1 चौथाई चाय का चम्मच। दोबारा से इसे बैटर में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हल्के हाथ से, इस बात का ध्यान रखें। बेकिंग पाउडर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें जाएगा वनीला आधा चाय का चम्मच, और इसके साथ जाएगा ऑयल 2 खाने के चम्मच। फिर से मिक्स करेंगे। बैटर हमारा तैयार है, ये देखिए जी किस तरह का चाहिए हमें। अब मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी अपनी ट्रे में, बेकिंग ट्रे में। ये गया जी सारे का सारा इस ट्रे में। और अगर आपके इस बैटर में हवा बन जाए, बबल बन जाए, तो आपने क्या करना है, आपने इसे ज़मीन पे 2 से 3 दफ़ा पटकना है, टैप करना है, तो इसमें जो एयर बबल्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। अब हम इसे देचके में रखेंगे, और देचके को यहाँ मैंने प्री हीट किया 10 मिनट पहले, और यहाँ पे देखिए मैंने कोई रेत या कोई नमक कुछ नहीं बिछाया इसमें। सादा एक जाली का स्टैंड रखेंगे, एहतियात से रखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा। अब इसमें जाएगी हमारी बेकिंग ट्रे, एहतियात से रखें। ये देखिए जी यहाँ पे मैंने इसे ट्रांसफ़र किया देचके में। देचके को कवर करेंगे और 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पर। 15 मिनट बाद दोबारा चेक करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, कवर हटाएंगे, स्विस रोल के स्पंज को चेक करेंगे। ये हटाया जी मैंने कवर, माशाल्लाह पक चुका है। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए यहाँ पे एक लेंगे टूथपिक, टूथपिक को इसमें डिप करेंगे और बाहर निकालेंगे। ये देखें जी बिल्कुल साफ़ है, ये गीले बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब हमारा जो स्पंज था वो बिल्कुल तैयार है। अब इसे देचके से बाहर निकालेंगे, बेकिंग ट्रे से स्पंज को निकालेंगे, बटर पेपर को रिमूव करेंगे। आपने बहुत एहतियात से यहाँ पे काम करना है क्योंकि जो हमारा स्पंज है वो गर्म है, और गर्म गर्म अगर कोई भी आप इस तरह का स्पंज बनाएंगे तो वो टूट जाएगा, इसलिए बहुत लाइटली इस कवर को हटाएंगे। ये ले जी मैंने बटर पेपर को हटा दिया। अब इसकी साइज चेंज करेंगे बहुत एहतियात से, और इसके ऊपर जैम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको जो जैम पसंद है, जो फ्लेवर आपको पसंद है, आप वही ऐड कर लें, इसमें यूज़ करें। बच्चे ऐसी चीज़ें लेना बहुत पसंद करते हैं।
जैम को अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद हमें चाहिए एक बटर पेपर। ये देखिए जी, बटर पेपर को नीचे बिछाएंगे, स्पंज को बटर पेपर के ऊपर रखेंगे और रोल करेंगे। और इस स्टेज पर आपने बहुत एहतियात से करना है, जल्दी नहीं करनी वरना आपका जो स्पंज है वो टूट जाएगा। ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से रोल कर लिया। अच्छी तरह से रोल करने के बाद जो हमारा साइड का बटर पेपर है उसे फोल्ड करेंगे दोनों साइडों से और फ्रिज में रखेंगे इसे 10 मिनट के लिए। ये देखिए जी, अब हमें इसे फ्रिज में रखना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद रोल हमारा तैयार है। मैंने इसे फ्रिज से निकाला, अब इसका कवर हटाएंगे बटर पेपर। ये ले जी, स्विस रोल हमारी तैयार है। अब मैं इसके स्लाइसेस करूँगी। स्लाइसेस करने के बाद अब मैं इन्हें डिश आउट करूँगी। मैंने स्विस रोल को सर्व किया ड्राई फ्रूट पिस्टेशियो के साथ। स्विस रोल के साथ ड्राई फ्रूट को खाएं और शाम की चाय का मज़ा तो बाला करें। इसी के साथ ही ज़्यादा चाहेंगे, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुँच सके। और कमेंट करके लास्ट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।